नमस्कार दोस्तों आज हम लोग 18 अप्रैल 2020 को मैग्नेटिज्म के टॉपिक के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 242 से यानी 241 फोर्टी वन आउट ऑफ थ्री मुझे टोटल पेपर सोल्ड करने आठ जिनमें से 360 सिक्सटी क्वेश्चन होंगे दो के वीडियो आपके वहाँ पहुँच चुके हैं अभी दो से अगले वीडियो आपको पहुंचाने के लिए आज हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज टॉपिक है मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई और एसी।

अनस्टेबल कब होता है और एक और भी नाम है न्यूट्रल स्ट, इक्म स्टेबल इक्विबिर एक उदासीन साम्य इस पे मैं थोड़ी थोड़ी आपसे बात करूंगा ओके आए प्लीज देखो डियर सबसे पहले एक बहुत कॉमन बात पे आता हूं बाहर आ रहा हूं मैं। पहले आपको समझा रहा हूं हम जानते दोस्तों इक्विब्रियम की पहली शर्त होती है एफ इक्वल टू जीरो भाई कोई शांति से कब बैठा रहेगा जब उस पे लगने जीरो हो। सी बात है। पर मैं हो गया जीरो खड़ा रहूंगा इधर से पांच लगा तो इधर मुंह करूंगा इधर से लगा इधर मुंह करूंगा या मेरे पे कोई फोर्स नहीं है तो मैं स्टेबल हूं कॉमन सेंस की बात है ओके अब अपन जानते हैं डीयर एफ इक्वल टू क्या होता है Dr, आप इसको आर दो, 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 दो मतलब तो इक्विलिब्रियम को लेकिन अब आप, आपको तो आगे बढ़ना है कौन सा स्थाई और स्थायी स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ओके डियर तो मैं इसके लिए आपको एक ग्राफ पे लेके आता हूं देखो आप इधर आर है इधर आपका यू है ऐसे दोस्तों मान लो कि कोई एक करो बना हुआ है आपका इधर से मान लो ये ऐसे मान लो ठीक है एक कोई गेंद हमने यहां रख दी एक गेंद हमने यहां रख दी और एक गेंद हमने यहां रख दी समझ रहा है करो यू और आर के बीच है तू देख ये गेंद चोटी पे रखी हुई है इक्विलिब्रियम है ये खड्डे में रखी हुई है गैरे में इक्म है और यह रखी हुई किसी प्लेन पे ये भी करना है तो इसको थोड़ा सा देखो वो कहते हैं ना अच्छा बच्चा कौन की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब करे तो डिस्टर्ब नहीं हो कुछ बच्चे क्या होते हैं चुपचाप पढ़ रहे होते हैं डिस्टर्बेंस आया डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये कोरोना जो है ना

ये तो कहते हैं ना कि बिल्कुल मिट्टी का है कुछ नहीं है इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्वीबरियम अस्थाई साम्य अवस्था स्थाई साम्य अवस्था और उदासीन साम्य अवस्था अब इसको टेक्निकल चेक कैसे करें तो समझना तरीका था टेक्निकल चेक दोस्तों कैसे करें आप देखो इस पे आप स्लोप खेचो तो ये स्लोप क्या है नेगेटिव यहां पर आप एक स्लोप खेचो ये स्लोप क्या है पॉजिटिव और यहां पर एक स्लोप खेचो स्लोप क्या है जीरो तो दोस्तों बहुत पहली बार डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे पास यदि डी यू बाई डी आर दिया हुआ है और फर्स्ट बार इसको मैं डिफ्रेंशियट करूं और ये जीरो आ जाता है या मुझे जीरो करना है किसके लिए इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए अब यदि मुझे स्टेबल अनस्टेबल ये चेक करने हैं तो इसका तरीका होता है इसको आप सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करो डी यू स्क्वायर डी आर स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव आता है तो ये स्टेबल

ये किसके लिए है ये दोनों के पॉइंट के ये सॉरी हाँ ये दो नंबर के पॉइंट के लिए ये एक नंबर पॉइंट के लिए और ये तीन नंबर पॉइंट के लिए यदि हम इसका सार तेरे लिए कि डी स्क्वायर यू डी स्क्वायर डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव और d स्क्वायर u dx स्क्वायर इक्वल टू 0 सुन ले पॉजिटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थाई साम्य अवस्था नेगेटिव अस्थाई साम्य अवस्था जीरो न्यूट्रल साम्य अवस्था क्लियर ये पूरी काम आएगा फिजिक्स में अब दोस्तों मैं आपके प्रश्न पे आता हूं आपके क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूं आपका प्रश्न किस में है मैग्नेट में है प्लीज पेज खाली करें पेज खाली रखें दोस्तों ये आप जानते हो कि कोई बाह्य मैग्नेटिक फील्ड है इसमें मैं कोई रखूं मैग्नेट एक बात ध्यान देना दोस्तों थोड़ा सा लो और क्लियर कर दूं पे आप सब जानते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लाइन प्लस से स्टार्ट होती है माइनस में जाती है ऐसे ही यदि आप मैग्नेट की बात करो तो याद करो बाहर फोर्स लाइन एन से एस जाती है अंदर एन से एस आती है इसलिए दोस्तों इस मैग्नेट के एन को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की भांति काम लेते हैं और एस को दोस्तों नेगेटिव ये रेटा नहीं मारना समझना होता है फोर्स लाइन प्लस से चल के माइनस जाती है यहाँ एन से एस जाती है तो वहां जो काम प्लस करता है यहाँ वो काम एन करता है वहां जो काम माइनस करता है यहाँ वो काम आपका एस करता है क्लियर पर एक बात ध्यान देना बाहर फील्ड एन से एस है और अंदर दोस्तों फील्ड एस से एन होता है इस बात को गौर करना बस अब तू देख ये तेरा एस ये तेरा एन ये ले ठीक है डियर तो ये तेरे सामने एक डायग्राम बना हुआ है कि ये कोई बाहर एक फील्ड है इसमें कोई एक आपका मैग्नेट रखा हुआ है ये इसकी अक्ष बना ले तो इस समय इसका थीटा क्या है डियर? जीरो डिग्री। यू होता है एम कोस थीटा। अब एक दिक्कत है इसमें देखें दिक्कत ये है कि ये मैग्नेट है ये ऐसे रखा हुआ है तो भी तेरे क्या लगता है कि स्टेबल है और मैं इसको देख घुमा के ऐसे रख दूं तो भी क्या लग रहा है स्टेबल है पर घर की बात नॉर्थ था वहां साउथ आ गया साउथ था वहां नॉर्थ आ गया इसलिए एक अंदर वो डायरेक्शन दोस्तों यहां थीटा इक्वल टू क्या है जीरो माइनस एम बी अब स्पोर्ट क्लोज इसको मैं 180 घुमा दूं तो 180 घुमाते क्या हो जाएगा एन इधर आ जाएगा एस इधर आ जाएगा फील्ड उधर है ये इधर है दोस्तों एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री की क्या होती है? जीरो डिग्री में स्टेबल है फिर समझने कोशिश कर ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। बट एक क्या है ये भी है गया। ये भी इक्विलिब्रियम है

ये लगता है बैठा बैठा नहीं है ये स्टेबल इक्लिब्रियम है ये, है। ये, में है, ये और यही बात दोस्तों इलेक्ट्रोश काम आती है इलेक्ट्रोश में क्या होता है यहां जो एम काम करता है वहां पी हो जाता है यहां जो बी है वहां ई e हो जाता है और थीटा आपका थीटा होता ही है क्लियर ओके थैंक यू ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तैयलीस जो क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ो पढ़ लिया ओके ये कहता है कि कोई एक बार मैग्नेट है ऐसे देखो ये रहा कोई मैग्नेट है ये इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ठीक है आप जानते हो पोल से पोल डिस्टेंस होती है तो कहता है बार डायपोल मोमेंट एम इज बेंट इन दोल वो कहता है एक मैग्नेट है उसको ऐसे मोड दिया कोई बात नहीं ये डिस्टेंस क्या भैया इसकी अगला कहता स्मॉल एम है और इसका कैपिटल एम दोस्तों माना कि पॉजिटिबिलिटी क्या होती है स्मॉल एम तो स्मॉल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एल हो गया ठीक है अब देख डियर इसको ऐसे तूने तो मोड़ दिया मोड़ दिया ना तो तेरे को डिस्टेंस ये काम लेनी है मेरे यार ये एंगल 60 डिग्री है तो ये डिस्टेंस भी आर ये भी आर और ये भी क्या हो गई आर ये संभाव त्रिभुज बन गया ना वो ट्रेंगल जिसकी तीनों बुझाएं बराबर होती हैं बस ये काम की सुंदरता है इसमें देखो यहां एंगल 30 डिग्री नहीं आया क्या? तो दोस्तों एक बन गया ना, जिसकी सारी बुझाएं समान है ये निकालते हैं तो अपन जानते हैं दोस्तों एंगल याद नहीं बराबर चाप बट्टे त्रिज्या एंगल बराबर आर कपोन रेडियस थीटा कितना है 60 60 मतलब पाई बाई थ्री आर्क ये आर्क है तेरा आर्क है ना तो ये तेरा आर्क हो गया आर्क कितना है ये आर्क मानेंगे तो आर्क किसके बराबर है एल के बराबर कि कुल लंबाई क्या है रोड की एल है ना अपॉन रेडियस क्या है आर बस तो दोस्तों आपके सामने अब जो एम डेस आएगा वो एम डेस क्या आएगा एम मल्टीप्लाई आर स्मॉल एम चेंज नहीं हुआ है. मैग्नेट को मोड़ने से उसका पोलर स्टेबिलिटी ध्रुव सामर्थ्य चेंज नहीं होता आर चेंज हो गया आर कौन है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ये कौन होगी आर तो तेरे सामने आर की वैल्यू क्या होगी देख आर इक्वल टू क्या हो गया थ्री स्मॉल एल अपॉन पाई बस तो ये स्मॉल एम तो है ही है ये थ्री एल अपॉन पाई एम अपॉन तेरे सामने एम मल्टीप्लाई एल, एल क्या है एम मल्टीप्लाई एल क्या है कैपिटल एम तो ये एम डैश इक्वल टू

निकाल दिया तेरी कर दी एमडेसिपल क्वेश्चन हाँ नंबर दो सौ चौबालीस देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है चलो जी देखो पहली बात तो है, कि ये है डियर इसमें हमसे पूछेगा मैग्नेटिक दिवध्रुआ चुंबकीय डाइपोल मोमेंट जो हमेशा क्या होता है

90 डिग्री दोस्तों इसमें आप देख रहे हो ये इधर है ये इधर है तो यहां तो क्या हो गया जीरो हो गया बात ही खत्म यह एंगल क्या है थर्टी डिग्री यह एंगल क्या है सिक्सटी डिग्री यानी दो वेक्टर भूल जाए यार एक वेक्टर आर वन एक वेक्टर आर टू उनका एड करना है ये दो नब्बे पे हैं एक सौ अस्सी पे हैं थर्टी पे हैं सिक्सटी पे हैं भूल गया क्या आर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कोश थीटा साफ दिखाई दे रहा है यह वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना मान ज्यादा आएगा इसकी अधिकतम वैल्यू कब होती है जब थीटा का जीरो होता है। क्यों कोश जीरो क्यों एक होती है तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी आपको अगला हाईएस्ट पूछ रहा है तो हाईएस्ट तो जीरो पर है बट जीरो एंगल कहीं है ही नहीं ये एक सौ अस्सी एंगल है भाई और लड़के ये एंगल वन एट्टी है देख। थर्टी वो सिक्सटी वो नाइनटी वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इस प्रश्न पे देखो ये तो मुझे पता है यार की चुंबक की प्रवृत्ति नेगेटिव किसकी होती है ये प्रतिचूर पदार्थ की होती है प्रतिचूर पदार्थ कौन सा दे रखा है ये दे रखा डाई मैग्नेटिक आंसर तो हो गया लो आंसर की बात नहीं करूंगा 245 का आंसर फोर हो गया पर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आपसे ये तीन प्रकार के होते हैं पहला होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक और तीसरा होता है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय आप तो गांठ बांध लो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है ठंडा मेरा है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है यानी ये जिस बाह्य फील्ड से होता है मैग्नेटाइज उसी के थोड़ा सा विरोध करता है तो ये थोड़ा सा कपूत है थोड़ा सा सपूत है ये बहुत ये मेरे फंडे बनाए हुए यानी प्रति चुंबकीय किए लिख दू प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय किए और लौचुंबक ये थोड़ा सा, सा नेगेटिव ये थोड़ा सा पॉजिटिव ये बहुत सा सारा पॉजिटिव ये मास्टर फंडा है इसका सुनना

टिक तो फील्ड है, है. ये कोई है magnetic field. ठीक है अगला साहब कहता है किसी एक, एक समान चुंबक के क्षेत्र में सूत्र के दागे से बांध दिया और चुंबक साम्य अवस्था में है ओके डियर ये स्टेबल कंडीशन में है स्टेबल कंडीशन कंडीशन का मतलब ये आपके इस में है। तो दोस्तों से रोटेट कर दू तो मुझे डब्लू वर्क करना होता है एक बात दोस्तों वर्क क्या होता है वर्क इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू मेरा एक मास्टर फंडा है परिवर्तन का मतलब होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल बदलोगे कभी भाई w इक्वल टू माइनस डेल्टा u ओके okay? परिवर्तन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बट यहां एक ऑलरेडी माइनस है तो दोस्तों यहां w का फॉर्मूला होगा u इनिशियल माइनस u फाइनल ओके okay? तो डियर यहां जो आपका w बना वो w बनेगा तो जानता है u क्या होता है mb cos थीटा तो mb cos थीटा 1 वैसे तो क्या होगा कोस फाइनल माइनस बोलते हैं बट माइनस के कारण पहले कौन आएगा वन आएगा ओके डियर तो फॉर्मूला बन गया एम बी को स्थितिटा इनिशियल माइनस एम बी थीटा फाइनल अब नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्ट कहां से होता है इक्विलिब्रियम से वो थीटा क्या होता है जीरो, जीरो क्या हो जाता है एक तो इसको अक्सर लोग क्या कहते हैं ये एम बी बाहर निकाल के वन माइनस थीटा ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों याद ये नहीं करना प्लीज इसको याद करें फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एम बी मैं इसको बिटा देता हूं जगह के लिए अब दोस्तों अगला साफ कहता है डब्ल्यू इक्वल टू एम बी वन माइनस को सिक्सटी क्योंकि कितना घुमाया को सिक्सटी को सिक्सटी क्या होता है वन बाई टू तो W इक्वल टू आ गया दोस्त एमबी बाई टू तो एम बी की वैल्यू क्या आ गई भाई बोल बोल टू डब्ल्यू आ गई एम बी कितना टू ओके okay. अब ये कहता है कि उस एंगल पे बनाए रखने के लिए रिक्वायर्ड टॉर्क क्या है वो लड़के टॉर्क क्या होता है एमबी साइन थीटा व्हाट इज एम बी टू डब्लू व्हाट इज साइन थीटा साइन सिक्सटी ओके ओके साथ है मेरा टू डब्लू इक्वल टू साइन सिक्सटी पड़ी बात. 247. मैं इसका कोई भी सोलूशन दोस्तों आपको नहीं बताना चाहूंगा बिल्कुल माफी चाहता हूँ और कॉन्फिडेंस बोलता हूँ कि वो प्रश्न है देखे हुए हों तो एग्जाम में हो जाते हैं ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता कि जिसको याद नहीं हो और फिर नीट की एग्जाम इसको सोल्ड करके निकाल दे घर पे निकाल लोगे चार मिनट लगेंगे एग्जाम में चार मिनट कहां से लाओगे तो मैं इस पे केवल आंसर की बात करूंगा दोस्तों आंसर नंबर है और मैं तो बिल्कुल हो सकता है मेरी भाषा ठीक नहीं लगे ऐसे प्रश्नों के आंसर आपको याद ही कोई दिक्कत निकालना चाहो तो जिस भी कोचिंग में आप पढ़े हो ना गारंटीड टीचर ने आपको पूरा सोल्व कराई यहां में उसको सोल्व करके आधे घंटा खराब नहीं करना चाहूंगा ओके थैंक यू हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू आप देखें इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो क्या है पढ़ लिया वो कहता है कि अर्थ पे कोई एक पॉइंट है जो एंगल ऑफ डी प्लस पच्चीस है और बी कोई पॉइंट है एंगल ऑफ डी माइनस पच्चीस है कोई खास बात नहीं है अब देखो ये डायग्राम बनाया मैं इस ये आपकी अर्थ है यह नॉर्थ हेमिस है जिसमें मैग्नेट का साउथ पोल पाया जाएगा ये साउथ हेमिस है जहां नॉर्थ पोल पाया जाएगा अब ये लाइन कौन है ओरिजेंटल और ये आपको याद रखना होगा दोस्तों नॉर्थ पे एंगल ऑफ डी पॉजिटिव होता है साउथ पे एंगल ऑफ डीप नेगेटिव होता है अब आ जाओ कौन है

मैं जो इसकी मास्टर बात कर लेता हूं आपसे तो हम सब जानते हैं डियर कि आपका जो ई e है वो होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी बोलो टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी फाइव पूरी क्लास जानती है क्या होता है बी डॉट ए डोट जब, जब जब आता है कौन आ जाता है बी ए कोस थीटा ओके डियर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है थीटा बाई टी इसको रिप्लेस कर दूं तो फाइव इक्वल टू बनेगा बी ए मेगा टी या थीटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनकी वैल्यू पुट कर दूं मैं तो इक्वल टू माइनस एन बाहर रखो ये तेरा डी बाई डी टी हो गया ओके डियर और जहां तेरा फाइव है वहां क्या आएगा बी ए थीटा आगे चल डियर

न पोजिश से होता है नाइन्टी से होता है कहने का मतलब है इसमें साइन और कोस आएगा साइन और कोस का मैं आपके लिए एक कर्व खेस देता हूं सीधी सी बात है ये आपका साइन है तो दोस्तों कान स्टार्ट यहां से हुई एक बार यहां आई एक बार यहां आई सुनो एक मिनट लो ये पेंडुलम है जान दे चला यहां से यहां गया वापस यहां आया यहां गया वापस यहां आया इट्स वन ऑक्सीडेशन तो एक ऑक्सीडेशन में यहां कितनी बार आ गया है दो गया सीधा फंडा है साइन और कोस में एक ऑक्सीडेशन में दो बार मिनिमम होगा दो बार, होगा, दो बार बदलता है। बस क्या भाई तार का एक पास किसी चुंबक के परिभ्रमण के ईएमएफ की दिशा दोस्तों दिशा आपकी सिंपल सी बात है कि दो बार चेंज होगी आंसर आपका हो गया इसका फोर्थ ओके थैंक यू हा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 250 ये 250 क्वेश्चन पढ़ लो और इसको सोल्व करने से पहले इसकी हल्की थोरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपसे देखो क्या कहता है कि ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और ये कोई लूप है जो वी वीवृष्टि से इस तरफ मूव कर रहा है बस तो इस कहता फ्रेम में इंड्यूस्ड जो फोर्स है एम जो बोलते हैं अपन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है

ये कोई एक वायर है और सिंपल सा यह कोई लूप है जो इससे दूर जा रहा है यह वायर है ना इस वायर में करंट फ्लो हो रही है देखो तो आप यह सिस्टम फिक्स हो देखो हाथ देख लो लेफ्ट तो राइट राइट हैंड है ना इससे हाथ तार को पकड़ो पकड़ा वायर को यह डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन तो इस जगह इसके कारण परपेंडिकुलर नीचे की ओर और, और, यहां खड़े हो तो अपना कह सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा अब सपोज करो कि इस कोयल को मुंह कराऊं मैं तो कोयल कहां मुंह कर रही है उस फील्ड में उसकी काट रही है तो इसमें एक इंडक्शन आएगा यानी इस करंट के कारण एक फील्ड पैदा हुआ उस फील्ड में इस कोयल ने मुंह किया मोमेंट किया उस मोमेंट के कारण इसमें एक इंडक्शन आया और उस इंडक्शन इसमें करंट फ्लो होगी या तो क्लोकवाइज या एंटी क्लोकवाइज दोस्तों यहां एक बात सुनो यहां एक माइनस का साइन होता है इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी फ्लक्स चेंज के कारण जो इंडक्शन होता है वो हमेशा उस कारण का अपोज करता है मेरा डायलॉग है कि वो बेटा है जो अपने बाप को मारने कोशिश करता है जिसे पैदा होता है उससे विरोध करता है अब देखो ये कोयल से दूर जा रही है ये क्या कहेगा दूर मत जा ये तरीका है इसका फंडा है गिरता है तो गिरने मत दो चढ़ने मत दो पास आता है मत आने दो दूर जाता है तो दूर मत जाने दो ये इसको दूर नहीं जाने देगा दूर नहीं जाने देगा तो एक करंट ये एक करंट ये। तो ऐसी करंट पाओ जिसके बीच में क्या हो अट्रैक्शन अब याद करो चार्ज में तो प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है बट करंट में सेम करंट के बीच अट्रैक्शन होता है लो दोस्तों ये करंट बहेगी जी ये इसका बेस्ट एग्जांपल आप ज्यादा जमा करो तो इसमें ये वायर करंट बह रही है करंट फ्लो है इसके कारण इंडक्शन होगा दूर जाने से इंडक्शन है तो दूर जाने का विरोध करेगा तो अपने ओर खींचेगा अपने ओर खींचना मतलब क्या चाहिए इसको अट्रैक्शन फोर्स चाहिए और करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो अट्रैक्शन होता है कहने का मतलब है करंट में अट्रैक्शन रिपल्सन चार्ज का उल्टा होता है ओके डियर तो यहां तक इसका एक कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट यहां तक काम आया अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि माना कि कोई वायर है जिसकी लंबाई एल है वो किसी बी फील्ड में वी वेलोसिटी से वो कहानी मुंह करता है या कोई फील्ड है ये मान लो फील्ड है बी वहां फील्ड है ठीक है डियर और एल इसकी लेंथ है और v वेलोसिटी से ये मूव करता है तो इस वायर के दोनों पॉइंट x और y के टर्मिनल्स के बीच वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हो वो हमेशा याद रखो वो होता है बी वी और आप एंगल की बात करना चाहो तो बी वो होता है ई इक्वल टू बी वी एल साइन थीटा लेकिन यहां आप देखते हो बी किधर है नीचे की ओर V किधर है इस तरफ तो इसके बीच एंगल क्या हो गया 90 तो साइन 90 वाली क्या हो जाती है तो इसमें e okay? इस आई करंट, इस करंट फ्लो हो रही है तो इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी बहुत काम का है म्यू जीरो आई इक्वल टू टू पाई आर

पी क्यू आर एस तो आप देखो पी क्यू जो है इस पे फोर्स क्या होगा इस पे आपका जानते हैं इसके सिरों इस पे एक क्या डेवलप होगा क्या डेवलप होगा बीवीएल इस पी क्यू के टर्मिनल्स पे एक इंडस्ट्री में पैदा होगा कितना होता है बहुत आराम से समझो बीवीएल अब बी क्या है इस वेल्यू पे तो बी आपको पढ़ा दिया आपको मैंने क्या है बी बी दोस्तों क्या है म्यू जीरो आई

क्यू के लिए है या दोस्तों क्यू आर और भी निकालना होता है क्यों क्यू आर का आपकी कहानी ई इक्वल टू क्या है भैया बीवी तो तो इस तो e इसको आपको बी वन कहना पड़ेगा इसको बी टू कहना पड़ेगा क्योंकि यह यहां अलग इंटेंसिटी अलग इंटेंसिटी पूरी समझने के लिए अब तेरा बी टू क्या है मेरे साथ हो जा म्यू जीरो आई बी टू डिस्टेंस कितनी अक्स प्लस ए बाई टू. तो टू, टू हाँ यहां तक हो रहा ना हाँ इसमें देखो अपने से इसको आपको v और एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये तो बीवन ये बीवन हो गया ना तो आपका जो e की वैल्यू आएगी उसमें ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई वीएल से यहां इसको अपने यदि ई लिख दिया तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों अपने को वी एल से अब यदि मैं इस पूरी बात को समझाऊं तेरे लिए माना कि डीएर यहां इवन डेवलप हो रहा है और इस टर्मिनल डेवलप हो रहा है तो देख थोड़ा ध्यान दे, दे। क्या माइनस ए बाई टू मल्टीप्लाई क्या होता है क्या है एल इस वायर की लंबाई है जो एक्चुअली है ए ली है, है। तो अपन यहां क्या कहेंगे क् v अब तेरा e2 क्या है dear e2 क्या है म्यू जीरो आई तो आई रहेगा ये तेरा ए वी रहेगा ये तेरा बन जाएगा टू पाई एक्स प्लस ए बाई टू स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये बड़ा है ये छोटा है इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है इसकी नीचे की ओर है अपोजिट होना है तो हकीकत दोस्तों देखा जाए तो अपन इसको मिटा दे यहां से तो ये जो लूप बन रहा है ये लूप इस तरह से बन जाएगा इसमें इस प्रकार से बैटरी बन जाएगी जो इसका अपोज करेगी इसको मैं ईवन कह देता हूं और इसको मैं कहता हूं ये इसका रूल बन जाता ये है ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये इंड्यूस्ड वोल्टेज बन गया अब दोस्तों में ईवन से ई टू को माइनस करूं तो प्योरली मैथमेटिक्स है कर दे आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है तो दोस्तों ई वन माइनस ई टू देख डियर म्यू जीरो आई ए वी टू पाई कॉमन है ना बाहर निकाल ले म्यू जीरो आई ए वी टू पाई बाहर निकाल तो ये ना ये क्या है वन ए टू प्लस ए टू. ठीक है अब याद कर ए माइनस बी ए प्लस बी तो एलसीएम करेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले भैया पूरी बात करेंगे यार, नहीं करेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो गया है म्यू जीरो

फिफ्टी एक अच्छा क्वेश्चन था मतलब देखा जाए तो डायरेक्शन वगैरह का सब कुछ काम आ गया देखा जाए तो EMI के सारे उस में काम और सा क्वेश्चन नहीं है उसमें, फिर मारा। उसमें आपकी इच्छा नहीं थी जो ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग सोल्ड कर लिया अब टू पे दोस्तों टोटल करने थ्री सिक्सटी हम टू फिफ्टी आगे मत करो ये कहता लॉन्ग सनलाइट हैज देखो दोस्तों इसमें बुद्धि मत इट द मैग्नेटिक्ल फॉर्मूला होता है एन फाइवल बहुत स्पष्ट क्वेश्चन है कैसे आपको उस कैसे है?

आई कितना है ले भाई तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया डियर ये तो बात ही नहीं है कैंसिल कैंसिल आउट इसे आउट इससे आंसर क्या आ गया हेनरी ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कल बात भी इसकी की थी मैंने ये माना कि कोई एक करंट करेंगे कंडक्टर है इसकी रेडियस मान लो कि आप कैपिटल आर है ओके okay, डियर अब कैपिटल आर है एक पॉइंट दोस्तों माना कि यहां रखा हुआ ए और एक पॉइंट है कोई बी तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि R A लेस देन कैपिटल आर ए और R B ग्रेटर देन कैपिटल आर आप ऐसा समझ लो इसको A है वो छोटा है बाहर है तो यहां एक बात ध्यान देना A पॉइंट पे B A पॉइंट पे आपको निकालना हो अंदर के पॉइंट पे तो इसका फॉर्मूला होगा म्यू जीरो आई स्मॉल आर अपॉन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर ध्यान क्लास म्यू जीरो स्मॉल आर अपॉन टू पाई आर स्क्वायर और दोस्तों बी बी जो बाहर है बाहर का फॉर्मूला तो जानते ही हो म्यू जीरो आई बटे क्या होता है टू पाई म्यू जीरो आई बटे हम जानते हैं क्या होता है टू पाई आर यहां समझ आता है इसलिए ये ये बी तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी आर के इनवर्स है बस अब दोस्तों आर की जगह बी ए में क्या पुट करेंगे ए बाई

थोड़ी पे लेके आता हूं दोस्तों रियल में आप लोग पढ़ रहे हैं a -n d phi dt थोड़ा देख लो इस टॉपिक को यार फ्लक्स में रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज जो है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज है माइनस का साइन आता है एक लाइन हो गया। ये वो बेटा जो अपने बाप को मारने की कोशिश करता है ये उस कारण का विरोध करता है इस कारण से पैदा होता है n लूप्स है अब आपको देखो पढ़ा चुका मैं phi क्या है v a तो फाइ इक्वल टू दोस्तों क्या है बी ए cos थीटा इनकी वैल्यू पुट करो तो ईक्वल टू माइनस एन बी ए कोटा अपॉन डी टी अब देखो भाई सीधी सी बात है डी के अंदर बी भी है ए भी है और थीटा भी है जो चीज कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे जो चेंज होती है उसको चेंज कर देते हैं तो थीटा तो दोस्तों यहां पर क्या है जीरो है इसलिए कोस जीरो का मान तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया? एक हो जाता है e N अब इस प्रश्न में साफ साफ कह रहा है डीबी बाई डी टी की रेट से चेंज हो रहा है इसका मतलब डीबी बाई डी टी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ए कॉन्स्टेंट है ए कौन सा जिसके अंदर फ्लक्स है वो बढ़ा दे छोटे वाला बस उसकी वेल्यू पुट कर दो तो ई इक्वल टू माइनस एन ये तेरा ए हो गया तो ये क्या गया? पाई आर स्कवायर डीबी बाई डी टी बस ओके ये काम करना है और सेकेंड लूप में कोई चेंज है ही नहीं तो वहां जीरो है तो इसका दोस्तों आंसर आपका हो गया थर्ड अब आप क्वेश्चन में आ जाए ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों तो माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर लूप फर्स्ट और जीरो लूप सेकेंड तो स्पष्ट कह रहा देखो ये डीबी बाई डी टी

एक राजा की जान एक तोते में थी तोते की टांग तोड़ दो तो राजा की टांग टूट जाती थी ये म्यूचुअल इंडक्शन है या और बताओ एक जुड़वा फिल्म है एक सलमान खान के मारो दूसरी लगती है वो भी क्या म्यूचुअल इंडक्शन है है तो चेंज कहीं कहीं और और करो असर इट कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन जोली बात करने की इच्छा ये हो गया ठीक है पढ़ लिया अब आप पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक थ्योरी पे आता हूं आप प्लीज पेज खाली करें देखो डियर आप जानते हो e -n d phi dt ये टॉपिक स्टार्ट यहां से होता है नेगेटिव बात को शो करता है कि उस काज का पोज करता है जिस काज से ये इंड्यूस होता है क्या ये वो बेटा जो बाप को मारने की कोशिश करता है मेरी भाषा में अब डियर मैं तेरे को phi की वैल्यू बताऊं तो phi होता है b a cos omega t अब अपन इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके सामने आएगा -n d/dt हां ले लो और इसको आप केवल b a cos थीटा भी एक ही बात है थीटा ओमेगा t a की बात होती है थीटा दोस्तों यहां अक्सर जीरो करके cos जीरो का मान 1 कर लेता है ये -n d/dt b, e b a ये आपका एक फॉर्मूला बन गया a -n db a dt क्लियर b चेंज कर रहा है तो a बाहर आ जाएगा तो db/dt हो जाएगा कई बार b कांस्टेंट होता है एरिया चेंज करता है तो इसमें जो कॉन्स्टेंट आ जाएगा और किसी एक में चेंज आपको देखो तो तीन चेंज में से कोई करना होगा बी बदलो चाहे बी में चेंज करो चाहे मतलब चेंज करो। चेंज करो तो तो बना दी तो चेंज कर सकते नहीं तो माइनस एन डी बी एपन डी हो गया ये इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया ठीक है साहब अब यदि मुझे इंड्यूस्ड वोल्टेज से आई चाहिए तो मैं जानता हूं e क्या होता आई आर तो I equal to क्या हो गया? E upon R तो दोस्तों E क्या है? तेरे सामने है N d phi d t R से डिवाइड कर दे। अब इस प्रश्न में दोस्तों क्यों पूछता है? तो मैं जानता हूं I equal to क्या होता है? dQ by d t तो dQ क्या हो गया रहे? I multiply d t इस I को d t से तो मल्टीप्लाई कर इस माइनस को खत्म करने ऐसे करना चाहिए तो N d phi R d t डी टी कैंसिल आउट मेरे भाई आप इस थोड़ा कलर चेंज देखें ई e के साथ भी डी टी आया है आई के साथ भी डी टी आया है लेकिन इस डी क्यू के फॉर्मूले में कहीं डी टी नहीं आया है यानी फ्लक्स चेंज की स्पीड धीरे हो या तेज हो इंड्यूस्ड चार्ज का इससे कोई रिलेशन है? नहीं है ये बहुत बड़ा पॉइंट है भैया ओके अब मैं तेरे क्वेश्चन पे आता हूं ठीक है स्टार्ट करें

का कोई रोल है नहीं होता है शुरू करूं पेज खाली करें भैया दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है तरह से। ये आपका मूल डायग्राम है और इसमें आपको इंडक्शन करना ऐसे ये ये क्वेश्चन होता है यहां चेंज करेंगे उस चेंज का यहां पर इंपैक्ट जाएगा ओके तू जानता है इक्वल टू माइनस एंड डी फाइव बाई डी टी ओके माइनस एंड वाट इज फाइव b a upon डी टी या अपन फाइव को दोस्तों बी डोटी भी कह सकते हैं क्योंकि इधर आपने ए, सिंपल ले लिया तो ये फॉर्मूला क्या बन गया माइनस एन बी ए अपोन टी साधे मेरा माइनस बी ए अपोन टी क्योंकि ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी है तो आप फाइव को बी डोटी भी कह सकते हैं ना तो उस चेंज को खत्म कर दे तो टोटली बात कर लेंगे अब आप देखो दोस्तों बी क्या है बी होता है म्यू जीरो स्मॉल एन आई गौर करना रहे ये स्मॉल एन है वो कैपिटल एन है कैपिटल एन टोटल लूप है स्मॉल एन नंबर ऑफ लूप इन यूनिट एरिया है ध्यान रखना बस इसमें मुद्दे की बात इतनी है बस इसमें गड़बड़ कर मत करना कहीं आप लोग अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देखो दोस्तों तो ये तेरे सामने इक्वल टू क्या आ गया माइनस एन कर दो इसको म्यू जीरो एन आई क्या होगा पाई आर टी, साथ दे मेरा हो गया तेरे सामने सामने है माइनस की जगह आई, आई बनाना है तो आई क्या होगा ई बाई आर तो इसमें तो एक काम कर स्म एन कैपिटल एन म्यू जीरो आई पाई आर स्कवायर बाई

तो दोस्तों ये Q का फॉर्मूला हो गया ये लो म्यू जीरो स्मोल एन केपिटल एन आई पाई केपिटल आर को T को, का कोई रोल इसमें होता ही नहीं है बस इसमें वैल्यू पुट कर लो म्यू जीरो क्या होती है फोर पाई मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस सेवन स्मॉल एन क्या है क्वेश्चन में आए स्मॉल एन दोस्तों ये टू मल्टीप्लाई टेन टू पावर फोर क्या है आप क्वेश्चन में देखें तो दोस्तों आपका 100 रंस है बस। अगला पेज निकाले दोस्तों थर्टी टू माइक्रोग्राम बिल्कुल आता है। तो इस में स्मॉल एन कैपिटल एन ये दो इंपोर्टेंट है उसके अलावा टी का कोई रोल है? नहीं है क्योंकि डी क्यू पूछा है मैंने कंप्लीट आपको सोल्ड करके बता दिया ठीक है ये म्यूचुअल इंडक्शन है

और ऐसे किसी क्षेत्र में केवल लंबवत रखी हुई है क्षेत्र के क्या रखी हुई है परपेंडिकुलर ओके डियर अब वो कहता है इस कुंडली को पॉइंट वन सेकेंड में इसके किसी समतल अक्ष के चारों ओर नाइनटी डिग्री घुमा दिया जाए ठीक है डियर वो उसके परपेंडिक रखी हुई थी ठीक है ना डियर तो रेफरेंस हमेशा हम क्या मानते हैं उसकी खींची गई नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं तो वो जीरो से नब्बे घुमोगी कहने का मतलब ये है तो आपको ईएमएफ चाहिए आप तो ध्यान दे क्लास इक्वल टू एन डी बाई डी टी फाइव जानता क्या होता है बी ए कोस थीटा मैंने एक बात कही ना यहां चेंज या तो बी का करो या ए का करो या थीटा का तो इस क्वेश्चन बी नहीं बदल रहा ए नहीं बदल रहा या थीटा बदल रहा है अब थीटा भी दोस्तों जीरो से नाइनटी पे जा रहा है तो पहले क्या था कोश जीरो फिर क्या हुआ कोस 90 कोस 90 क्या हो जाता है जीरो तो वैल्यू वन होगी ना तो इसको मैं डायरेक्टली लिख तेरे लिए दोस्तों एन बी ए अपॉन टी एन बी ए अपॉन टी बात को तो समझे ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल रियल तो फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा इनिशियल पर कहने मतलब ऐसे क्वेश्चन में 90 डिग्री घुमाता है ना तो दोस्तों पहले जीरो से 90 डिग्री गया तो ये बी ए होता है दान दो

B की वैल्यू क्या है फाइव मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस फाइव ए की वैल्यू क्या है पॉइंट जीरो ऐसे प्रश्नों में डिग्री कहां से इक्विलिब्रियम से, से तो टू बी ए काम आएगा और नाइनटी डिग्री घूमगी तो बी ए काम आएगा थैंक यू हाँ तो दोस्तों अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है एसी प्रत्यावर्ती धारा बहुत क्वेश्चन टॉपिक दोस्तों इसमें पिछले साल में कितने क्वेश्चन कि आए हैं ये से लेके और, तो और बहुत सिंपल सा टॉपिक कह सकता हूं इसको मैं शुरू करूं तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोश कर लिया सर्किट कर लिया धारा का चुंबकीय प्रभाव कर लिया करंट कर लिया मैग्नेटिज्म कर दिया एम कर लिया और अब हम लोग आ रहे हैं एसी पे और ये इस पार्ट का आखिरी टॉपिक उसके बाद आप जानते हो रेप्टिक्स और रेप्टिक्स और मॉडर्न पे आ जाएंगे यानी एनसीआर का ट्वेल्थ की सेकेंड बुक आ जाएगी एनसीआर की ट्वेल्थ की फर्स्ट बुक अपना आज कंप्लीट कर देंगे ठीक आ जाओ जी <coughs> क्या कहता है डियर कोईल ऑफ सेल्फ इंडक्शन बल्ब बी एंड एसी सोर्स ब्राइटनेस बल्ब ये कहता है का एल है, हो देखो धान ये आपका कोई बल्ब है यह आपका एसी आ गया आज करंट की डायरेक्शन है नहीं बता पाएंगे बस अब यह कहता है इस बल्ब की तेरे को चमक कम करनी है चमक कम होने के ब्राइटनेस कम होने के दो तरीके हैं भाई इसमें आई कम करने सॉरी मतलब दो आई कम करनी पड़ती है आई कम करने के दो तरीके हैं या तो सप्लाई कम कर या जेड बढ़ा सप्लाई तो कम कर नहीं रहा जेड बढ़ा तो इसका जेड कैसे बढ़ेगा जेड बढ़ने का तरीका आर बढ़ा दे या एक्सएल बढ़ा दे एक्सएल क्या होता है एक्सएल होता है टू पाई एफ एल तो, तो इसका एल बढ़ा दे तो एल बढ़ाने से एक्सएल बढ़ेगा एक्सेल बढ़ाने से जेड बढ़ेगा जेड बढ़ाने से आई कम होगी आई कम होगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी क्या क्या कहता है? इस के एल बढ़ गया एल बढ़ गया एक्सएल बढ़ गया एक्सएल बढ़ गया, गया जेड बढ़ गया तो दोस्तों आंसर नंबर क्या हो गया आपका सेकंड टू फिफ्टी सिक्स का आंसर हो गया दो ओके थैंक यू दिया मैंने अब अगले क्वेश्चन करने से पहले एसी के बारे में कुछ बेसिक बातें आपसे कर लेता हूं ठीक है पेज खाली करें सुनील सर देखो पहला पॉइंट दोस्तों एसी में एक होता आर एम एस एक होता पीक बात हो आपका। आई था, आई बाई रूट है लेकिन एसी में डेटा हमेशा आर एम एस में काम आते हैं प्रश्न में जब तक अगला डेटा के सात पीक नहीं लगाए तो वो हमेशा आर एम एस रहेगा अगली चीज एसी के इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या पढ़ते आर एम एस एमिटर क्या पड़ेगा करंट आरएमएस में वोल्ट मीटर का पड़ेगा वोल्ट वोल्टेज डिफरेंस किसके पड़ेगा आरएमएस में ओके ये ध्यान रखना चीज का अब एक बात सुनना यहां अपन एक सिंपल सर्किट बनाए ये एल है ये सी है ये आर है और ये दोस्तों आपकी कोई सप्लाई है तो ये अपन कहते हैं कि ये एक्सएल है ये एक्ससी है ये आर है करंट वही सीरीज में करंट सेम रहेगी और पैरेलल वोल्टेज डिफरेंस सेम रहेगा अब डियर मैं कह दूं इसके सिरों पे वीएल का ड्रॉप हो गया या वीसी का ड्रॉप हो गया या वीआर का ड्रॉप हो गया यहां दो तीन फॉर्मूले लो एक साथ देख लो आप लोग जेड निकालना हो मुझे तो मैं क्या कहूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर यदि मुझे टोटल वी चाहिए तो दिमाग मत लगाओ इसके साथ वी के साथ आर लगा दो इसके साथ एल लगा लगा दो दो इसके साथ सी लगा दो। यदि दोस्तों ऐसे इनको मैं जोड़ दू सीरीज में तो में जोड़ती हूं मान लो एल है ये सी है और ये आर है तो यहां जो आई का सम होगा वो ऐसे हो जाएगा आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर सीरीज में वोल्टेज का सम होता है पैरेलल में करंट का सम होता है बट ये डीसी नहीं है एसी है रूल ये काम आएगा ये बहुत कॉमन चीज है अब अपन एक बात और देखें यहां एक मास्टर फंडा मेरे पास इसको बोलता हूं मैं जीरोक्स मशीन लो जी मेरी मास्टर चीज है भैया मेरी क्लास का एसी का श्रेष्ठ लगता है मेरे को ये एक्स आप जानते हो एक्स एक्स ही होता है यदि मुझे कहीं कोस फाइव चाहिए तो क्या दिक्कत है

ये हमारा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर पे आ जाओ जी अगला साप कहता है दोस्तों ऐसा करो आप ट्रांसफार्मर का ऐसे डायग्राम बना लो ये प्राइमरी ये सेकेंडरी ठीक है डियर? प्राइमरी कोयल में वोल्टेज कितना है अगला साप कहता है प्राइमरी कोयल का वोल्टेज है टू वोल्ट प्राइमरी की पावर कितनी है थ्री किलोवाट और प्राइमरी की करंट आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी में आ जाओ तो सेकेंडरी की पावर क्या होगी

क्वल टू वी आई कहाँ दिक्कत है तीन हजार ये है दो सौ तो आईपी कितना हो गया भाई पंद्रह एमपियर बाद में क्या पूछा है विद्युत चार सौ पचास और पंद्रह एम्पियर आपका आंसर क्या दोस्तों दूसरा तो टू फिफ्टी सेवन का आपका सेकंड आंसर हो गया बहुत क्वेश्चन भैया ट्रांसफार्मर प्राइमरी बना लो सेकेंडरी बना लो इफिशियो निकाल ओके थैंक यू

पी इक्वल टू पी स्क्वायर क्या है पी आर ये तेरा पी आर येड कोस क्या होता है R Z. तो दोस्तों, P P को ले लो और ये तेरा आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर पी आर अपॉन जेड का होल आंसर आ गया सेकेंडेस्ट क्षेत्र में टोटली प्योर आर था तो कुंडली जुड़ते फिर या, कोस है, कोस R Z होता है आई रिप्लेस कर देंगे और आर यहां जेड बन जाता है आर यहां पर जेड बन जाता आंसर आपका सीक्रेट हो गया ओके थैंक यू दोस्तों क्वेश्चन 259 वो कहता वोल्टेज सिग्नल तो है वी नोट साइन ओमेगा टी अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर देखो भाई एक बात जानते हैं अपन आइडियल कैपेसिटर पे एसी का कंजप्शन जीरो होता है सो आइडियल कैपेसिटर हो सो क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों पे फाइव क्या होता है 90 90 क्या होता है 0. P ERMS, IRMS, से कोई ऊर्जा उपयुक्त नहीं करेगा टू फिफ्टी नाइन का दोस्तों आंसर क्या हो गया हमारा एक नंबर फिर सुन लो प्योर एल और प्योर सी का फाइव नाइनटी होता है कोश नाइनटी जीरो हो जाता यू. Question, 260. क्या कहता है इंडक्टर ट्वेंटी मिली हेनरी कैपेसिटर ये रजिस्टर ये कनेक्टेड सीरीज दिस वोल्टेज तो दोस्तों पावर लॉस इन एसी सर्किट देख भाई पावर लॉस इन ए सी सर्किट इसका फंडा है ई ई आर 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 एम 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 एस 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 आई आई ओके डियर e भैया तो ई आर एम एस तो तेरे सामने इसका पहले भैया तेरे को क्या निकालना पड़ेगा लड़के इसका जेड निकालना पड़ेगा भाई मामला थोड़ा बड़ा भाई है। ये क्वेश्चन सिक्सटीन आया हुआ है देख भाई जेड निकालने के लिए सबसे पहले एक्सेल निकालना पड़ेगा एक्सी निकालना होगा आर निकालना होगा उसके बाद आपको जेड निकालना होगा तो लो मैं एक सोल्यूशन जो मन कर रखा है उसके हिसाब से कहूं तो एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी एक्ससी की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें एक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट फिफ्टी टू ओम आएगी एक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट फिफ्टी टू ओम आएगी और दोस्तों आर की वैल्यू अगले ने आपको क्या दे रखी है भैया पहले से ही फोर्टी ओम इससे दोस्तों अपन निकालेंगे वो 65.6 आएगा वो P equal to ERMS, IRMS, कोस इन सब की भाग करेंगे तो ये लगभग वाट आएगा इसकी कैलकुलेशन अजीब सी है इसमें कोई ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है देखो एक्सएल कैसे निकालेंगे क्या क्या होता है ओमेगा एल फिफ्टी टू ओम आ गया आर कितना है फोर्टी ओम है इसको करेंगे क्या निकालेंगे अपन जेड तो इसका जेड दोस्तों कितना आएगा बता दू आपको मैं इसकी जेड की वैल्यू है सिक्सटी फाइव

कि इसकी बेस्ट ट्यूनिंग क्या हो तो बेस्ट ट्यूनिंग का मतलब क्वालिटी फैक्टर उसका फॉर्मूला होता है अब भैया पहला ऑब्जेक्ट चेक करो दूसरा करो तीसरा करो चौथा करो वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी कोई रास्ता नहीं है तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसका सेकंड जो है या मैंने कर लिया आप भी कर लो एग्जाम में ये प्रॉब्लम मैं फिर से कहता हूँ नहीं आती है बहुत कम चांस होता है आपने करना है रास्ता नहीं बेक हुई है ठीक है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा थैंक यू दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन है कि एक सर्किट है एल बी है सी बी है आर बी है ओके और ये आपकी ए सी सप्लाई है अब पे कहता है, पे है, तो ये क्या है 80 वोल्ट है कैपेसिटर पे क्या है 40 वोल्ट है ओके डियर तेरे इंडक्टेंस पे कितना है 100 वोल्ट है ओके ये सप्लाई होगी तेरे को इसका कोस चाहिए देख भाई सीधा सीधा है रेफरेंस बना जानता इधर होता है वी एल आगे होता है सी पीछे होता है कैपेसिटर कैपेसिटर में में करंट करंट आगे होती है, ठीक है ना कैपेसिटर में करंट आगे होती है ठीक है ना संधारित्र में धारा आगे होती है तो करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे होगा तो ये वीसी है वी वीएल है तेरे सामने एल कितना भैया एल है हंड्रेड वोल्ट सी कितना है 40 वोल्ट तो दोस्तों इनका डिफरेंस क्या होगा 60 और ये तेरा कितना डियर 80 वोल्ट तो अब मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं कि इधर एक 80 वोल्ट है ये क्या है वीआर और ये तेरा क्या है वीएल माइनस वीसी वीएल माइनस वीसी कितना डियर 100 माइनस 40 कितना हो गया 60 वोल्ट अब थोड़ा ध्यान दे ये 60 है ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा 100 है? लंब का स्क्वायर आधार का, का स्क्वायर ओके डीएर ये एंगल तेरा फाइ ये कितना है 80 ये कितना है 60 ये कितना है, 100 क्या होता कोस फाइ बेस अपॉन हाइपोटेनस तो कितना हो गया 80 भाई 100 0.8 ये ले ओके थैंक यू हाँ डियर एक ठीक सी प्रॉब्लम हम लोग बोर्ड पे करने जा रहे हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है बट इसको पूरा आपको करके दिखाता हूं क्योंकि जरूरी है कैलकुलेशन करने से एक आपका बढ़ता कॉन्फिडेंस देखो डियर आप मेरे साथ हो ये एक LCR एक एल सी आर कोई सर्किट है सप्लाई ए है देखो डियर साफ कहता है एल की वैल्यू क्या है ट्वेंटी मिली हेनरी इसकी वैल्यू क्या है हंड्रेड माइक्रोफेरिड इसकी वैल्यू क्या है फिफ्टी ओम और सप्लाई तेरे सामने सामने है टेन साइन तीन सौ टी तो थोड़ा बोल हो सकता है भाई पूरा करूंगा इसको मैं। अब डीएलए साफ कहता करता मुझे पावर लॉस चाहिए इस प्रकार के सर्किट का एक ही पावर ईआरएमएस मुझे आई आर एम एस नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको चेंज कर दूंगा आई आर एम एस क्या ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई जेड तो दोस्तों इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी इक्वल टू ईआर ई आर एम एस

बटे टू आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ओके डियर अब मैं तेरे लिए इसकी बात पूरी कर लू तो ये मेरा बन गया ई नोट स्क्वायर बटे टू आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर ओके जेड दोस्तों आप जानते हो क्या होता है जेड होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर यहां मैं एक्स एल निकालूंगा वो क्या है उमेगा एल उमेगा तेरे सामने कितना है 314 ठीक है ओके डियर और एल कितना है 20 मिली हेनरी तो ये तेरा 20 मिली हेनरी मिलेगा मतलब 10 टू पावर माइनस थ्री तो ये तेरा आठ दो छ एक जीरो और लगा 10 टू पावर माइनस थ्री तो ये आ गया तेरा सिक्स आ गया अब तू ऐसे से निकाल तेरा काम कर रहा हूं एक बटा इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था आपका आंसर आया मैं बता दू तो देखो थर्टी वन ओम ये, लो डियर। ये थर्टी वन ओम है ये आपका सिक्स पॉइंट टू है इन सबको सोल्ड करेंगे तो हमारी जेड की वैल्यू फिफ्टी सिक्स आ जाती है बस याद रखो

ट्वेंटी फाइव मिली 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 टेन टू पावर माइनस थ्री आई आई बोले तो सिक्सटी मल्टीप्लाई सिक्सटी और मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस सिक्स ओके अब देख सीधा करूं तेरे लिए ये देख पच्चीस को दो से गुणा कर पचास ये तेरा छत्तीस सौ और ये गुणा दस की पावर माइनस तीन ये टेन टू पावर माइनस सिक्साऊ करना मैं ये ये दो पॉइंट इससे कम कर तो क्या बचेगा माइनस चार एक इससे कम कर क्या बचा माइनस दो तो इतना क्या बचा फाइव अपॉन थर्टी सिक्स ये टेन टू पावर माइनस ऊपर जाएगा प्लस टू ये हो गया पांच सौ दोस्तों लगभग फाइव हंड्रेड में आपको थर्टी सिक्स से डिवाइड करना है फाइव हंड्रेड को थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार भाग जाएगा ओके डियर फिर क्या बचेगा आपका बीस बचेगा फिर आपका भाग लगभग तीन बार जाएगा तो आंसर तो करीब करीब वही आ रहा है तो आंसर आपका तेरह पॉइंट एट नाइन आंसर आपका सेकंड आ गया और क्या करें भाई ओके okay? थैंक यू ओके okay, दोस्तों नमस्कार कैसे भाई तो आज दोस्तों 18 अप्रैल की क्लास से शूट कर दी है रात की साढ़े दस बज रहे हैं भाई समय आज दिन में किसी कारण नहीं कर पाए थे तो आज 18 अप्रैल की क्लास शूट है कल 19 अप्रैल की शाम तक आपके पास आ जाएगी क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन जाती है वहां ये सेट होती है ओके डियर तो कहने का मतलब ये टोटल 360 क्वेश्चन मुझे करवाने थे जिसमें ये 264 सिक्सटी फोर हो पाए हैं अभी तक है ना आपको अब तक जो मिले हैं और ये हमारा ग्यारहवां लेक्चर है दस लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं ये ग्यारहवा लेक्चर आपका अपलोड हो रहा है ओके डियर मस्त रहें बढ़िया रहें ठीक है भाई और आप सब जानते हैं 16 अप्रैल से आपके अपने सी एल सी इलेवन ट्वेल्थ फाउंडेशन और टारगेट कोर्सेज की वीडियो क्लासेज जिसको अपने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर चुकी हैं आप जो भी आपके नोन हैं जो भी तो देख रहे हैं आप सबको सी एल सी की वीडियो क्लासेज ज्वाइन करके अपने समय को बचाना चाहिए समय का प्रॉपर सदुपयोग करें बाकी आपको कोई सुझाव हो कोई विचार हो कोई डिमांड हो कोई शिकायत हो, हो तो डबल नाइन टू एट सेवन थ्री डबल एट डबल एट मेरा मोबाइल नंबर है आप मुझे बात कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं वीडियो कॉल कर सकते हैं कॉल ओके थैंक यू जय सी